वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है पूर्वी द ब्लॉगर। आप सभी का स्वागत है। तो ये 25 जनवरी की शाम का ब्लॉग है। उस टाइम हो रहा था 7:30 बज रहे थे। मैं मंदिर गई थी और मंदिर गई तो वहाँ पर शनि भगवान जी की पूजा चली थी। हमारे मंदिर में हर शनिवार को शनि भगवान जी की पूजा होती है, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और मैं पीछे का व्यू आपको दिखाती हूँ। मेरी कुछ फ्रेंड्स भी आई थी और ये जो पीछे आपको हाय कह रही हैं वो मेरी भाभी हैं। तो अब मैं प्रसाद ले लेती हूँ। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम पहुँच चुके थे सिविक सेंटर के बंगाली फूड फेस्टिवल में। यह बंगाली जो क्यूज़ीन होती है उससे रिलेटेड फूड लगाए गए थे अलग अलग स्टॉल पे। तो फूड फेस्टिवल में थे प्रॉन्स पकौड़े, चुशी पायश, बिरयानी, बैगुनी यानी बैगन फ्राई, पाटी शप्ता, नौलील गुड़े पायश यानी खजूर के गुड़ का खीर और रसगुल्ला, और साथ में थे लवंग लोतिका और ब्लैक टी। तो ये दूसरे दिन 26 जनवरी का सुबह का है। तो मैं गेहूं धो के डाल दी हूँ क्योंकि इतने दिनों से बादल बादल थे तो हो नहीं रहा था। तो मौसम जैसे ही 25 और 26 को साफ हुआ तो मैं तुरंत गेहूं धो दी हूँ। और मैं अपनी छत पे आके आपको अपनी छत से कुछ व्यू दिखा रही हूँ। कितना सुंदर दिख रहा है ना ये आसपास का व्यू देखिए आप। और ये देखिए नीला आसमान कितना सुंदर दिख रहा है ना। तो अब मैं नीचे छत से नीचे आ गई हूँ। तो मेरी हाउसमेट ने ये जगह को धो दिया है और मैंने नाश्ते में बनाया था उपमा। और ये मेरे हस्बैंड शाम के प्रोग्राम के लिए कुछ डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने दोपहर को बनाया था चिकन। अच्छा, खाना शाना खाने के बाद हम आ गए थे TI सूर्या मॉल में। यहाँ बिग बाज़ार में मुझे कुछ लेना था तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इन्होंने 26 जनवरी के लिए कितनी डेकोरेशन की थी। कितना सुंदर लग रहा है ना ये डेकोरेशन। तो मैंने ये चीज़ें खरीदी हैं जो कि मुझे बहुत ज़रूरी थी। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गणतंत्र दिवस। हाय एवरीवन। तो आज मैंने ये लुक लिया है क्यों, उसका कारण ये है कि मेरे हस्बैंड एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं जिसका सेमीफाइनल हो चुका है, आज फाइनल है। और ये भिलाई आइडल के नाम से प्रोग्राम चल रहा है और मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। तो मैं आपको फटाफट से अपना लुक दिखा देती हूँ, फिर चलते हम प्रोग्राम की तरफ। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने फटाफट तैयारी की थी, एकदम जल्दी जल्दी तैयार हुई हूँ क्योंकि मुझे है मेरे हस्बैंड का हेल्प करना है। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। तो मैं भांजी के साथ पहुँच चुकी हूँ सेक्टर 5 सद विजय ऑडिटोरियम और प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। और ये वो ट्रॉफी सारी हैं जो पार्टिसिपेंट को देनी है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, कॉन्सोलेशंस सभी तरह के प्राइजेस थे। मैं आपको लुक भी दिखा देती हूँ साथ साथ में। और ये बैठे हैं जजेस सामने। इसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने पार्टिसिपेट किया था डांस एंड सिंगिंग। तो इसमें डिफरेंट टाइप की कैटेगरी थी जैसे क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, वेस्टर्न, बेली, फोक इत्यादि, और मॉम स्पेशल भी हुआ था। तो सभी पार्टिसिपेंटों ने पार्टिसिपेट करके इस प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए थे। इस प्रोग्राम में मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड दोनों ने पार्टिसिपेट किया था।
और ये है मॉम स्पेशल डांस, जो कि बहुत अच्छा हुआ था, बहुत सुंदर उन्होंने प्रस्तुति दी थी। तो औरतों को कुछ ना कुछ इस तरह के कुछ ना कुछ फंक्शंस करते ही रहना चाहिए। और ये था सिंगिंग कंपटीशन, सिंगिंग चल रहा था, इसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों ने भी पार्टिसिपेट किया था, डुएट सिंगल सभी ने, और बहुत अच्छा गाए थे उन्होंने। और ये है बेली डांस, तो आप भी इंजॉय कीजिए। तो ये पहुंच चुके हैं हमारे अतिथिगण, हमारे भिलाई शहर के सबसे युवा विधायक और महापौर जी। अब मैं आपको पीछे के ऑडियंस दिखाती हूँ जो ये प्रोग्राम को देख रहे हैं। इस वीडियो को करने का मकसद मेरा किसी चीज़ को प्रमोशन करना या प्रमोट करना नहीं है, ये भी मेरे लाइफ का एक हिस्सा है। मेरे हस्बैंड कल्चरल फ्रेंड से हैं, तो ये सब प्रोग्राम मेरे अक्सर होते रहते हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप भी ब्लॉग से जुड़े हुए हैं और जुड़ चुके हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। इसका प्लीज़ कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। अब पुरस्कार वितरण समारोह प्रारंभ हो चुका है और हमारे मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार वितरण दिया जा रहा है प्रतिभागियों को। तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया है और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और ये सारा हॉल खाली हो गया है, देखिए सब खाली हो गया है। तो यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया ज़रा भी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।